बीते दिन राजधानी भोपाल के एक अस्पताल में हुई घटना के बाद सागर नगर विधायक शैलेंद्र जैन जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे और बारीकी से सभी एंगल से तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने एसएनसीयू वार्ड, पीआईसीयू वार्ड, नवीन आईसीयू वार्ड का निरीक्षण किया। प्राथमिक रूप से पहली क्लास विशेषज्ञ इंजीनियरों द्वारा जिला अस्पताल की पूरी इलेक्ट्रिक लाइन का परीक्षण करने के निर्देश दिए ताकि कोई भी संभावना ना रहे, इसमें शॉर्ट सर्किट का अंदेशा हो और उसके कारण कहीं भी इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो सके। उन्होंने कहा कि अस्पताल की ड्रेनेज व्यवस्था को सुधारने के लिए स्मार्ट सिटी के माध्यम से उसका काम करा रहे हैं। यहां लगे एयर कंडीशनर को भी निरंतर चालू रखने के निर्देश दिए और उनका एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने की बात कही। अस्पताल का कोई भी एसी बंद मिलता है तो 24 घंटे के अंदर चालू किया जाना चाहिए। विधायक बोले कि नवीन आईसीयू और पीआईसीयू भी बनकर तैयार है, ये किसी भी सर्व सुविधा युक्त निजी अस्पताल के आईसीयू से कम नहीं है। इनमें जो भी कमियां हैं पीडब्ल्यूडी विभाग को निर्देशित कर दिया है, उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। इसके अलावा विधायक जैन ने अस्पताल में और भी व्यवस्थाओं को देखा। जैसा कि आप जानते हैं कि जिला चिकित्सालय जो है उसमें हमारा आना जाना मेडिकल कॉलेज में होता रहता है, लेकिन आज का जो विशेष रूप से जो आना हुआ है, जो भोपाल में एसएनसीयू में जो घटना हुई है और इसमें हमारे अनेक नवजात शिशु जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, उनसे सबक लेते हुए आज मैंने उस एंगल से आज इसका विजिट किया है कि क्या वो कमियां हैं, क्या कुछ इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का कुछ और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट का कोई विषय है, या हमारी अभी मैंने बात की है सीएस मैडम से और उनसे आग्रह किया है कि जो फर्स्ट क्लास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं ड्यूली अप्रूव्ड बाय विद्युत मंडल, उनसे लगा के जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिकल लाइनिंग है पूरी की पूरी चेक कर ली जाए, मतलब वहीं कोई हम स्पेस नहीं दें कि कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से और कोई इस तरह की कोई दुर्घटना हो जाए। और हमारा अन्य जो विषय है जैसे सीवरेज है, सीवरेज का काम स्मार्ट सिटी से करने का निश्चय किया है, उस काम को हम टेकअप करने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल भी अगर वो कोई इस तरह का जैसे हमारे एयर कंडीशनर से पता चलता है कि बर्न यूनिट के एयर कंडीशनर बंद हैं और बर्न यूनिट इतनी सेंसिटिव जगह है कि वहाँ पे एयर कंडीशनर बंद हो ही नहीं सकते, मतलब हम वी कांट अफोर्ड, लेकिन अगर बंद है तो इसलिए इनका एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हम लेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर कोई किसी वजह से हमारा कोई एयर कंडीशनर बंद होता है तो 24 घंटे के अंदर उसको हम चालू करें। तो इन तमाम चीज़ों को लेके हमारा आईसीयू लगभग तैयार है, उसमें कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं उसको हम दो दिन में ठीक कर लेंगे। हमारा पीआईसीयू जो है जहां हम खड़े हैं आप देख सकते हैं, किसी भी बड़े हॉस्पिटल के आईसीयू से कमतर नहीं है, तो मैं इसके लिए सीएस महोदय का और कलेक्टर महोदय का और पूर्व कलेक्टर महोदय दीपक सिंह जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमने अपनी उन सब गलतियों से सबक लेते हुए और अच्छा पीआईसीयू तैयार किया है, इसके बेड वगैरह सब आ गए हैं।